स्टूडेंट कम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू मैथ्स क्लासेस में दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। तो आइए देखते हैं। तो इस टॉपिक में कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू में आज हम इंटीग्रेशन टॉपिक को देखेंगे और इसके अंदर जो सब टाइटल है इसका इंडेंटेड सेमी सर्कुलर कंटूर और व्हेन पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस एज वेल। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है कि पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस एज वेल, ये इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को बना देता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो आप पोल निकाल रहे थे वो विद इन सी देख रहे थे। जो सेमी सर्कुलर कंटूर है, लार्ज सेमी सर्कल है, उसके अंदर जब हमें पोल मिल रहा था तो हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पर विद इन सी तो पोल मिलेगा ही मिलेगा, और अब रियल एक्सिस पर भी अगर हमें पोल मिलेगा तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आइए उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चन में, पहले वो देख लेते हैं कि इफ लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड माइनस ए, एफ जेड इक्वल टू कैपिटल ए, एंड इफ सी इज द आर्क वेयर थीटा लाइज बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑफ द सर्किल, सर्किल का इक्वेशन गिवन है मॉड जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, देन लिमिट स्मॉल आर टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी। और सेकंड जो आपका की फैक्टर है इसका कि लिमिट आर टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा ए टू द पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 वेयर एम इज इंटीजर है। इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन्स लेमा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो की पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटीज यूजी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 देन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cos x dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, 2 पाई अपॉन 2a इनटू sin a प्रूफ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि कंसीडर द इंटीग्रल, कंसीडर द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा जेड अपॉन में ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहां हमें क्वेश्चन भले ही x में दिया गया है, लेकिन जब हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो एफ जेड के फॉर्म में करेंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर अगर साइन और कॉस कुछ भी होगा तो आप इसे यूलर्स थ्योरम से टू दी पावर आयोटा थीटा, जो आप लिखते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, से उस तरह से यहां पर आप एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पर आप टू दी पावर आयोटा जेड लिख रहे हैं, जिसको अगर हम ओपन करेंगे तो कॉस जेड प्लस आयोटा जेड साइन जेड लिखा जाता है। और यहां पर जब हमें क्वेश्चन कॉस का मिलेगा तो हम फाइनली जब लास्ट रिजल्ट हमें निकालना, कंक्लूजन निकालना होगा, तो हम रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे अगर कॉस का क्वेश्चन होगा जैसे ये है, और अगर साइन का क्वेश्चन होता तो हम इमेजरी पार्ट इक्वेट कर देते हैं। तो इस तरह से यहां पर फंक्शन कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर आप बताएंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं पोल, क्योंकि पोल पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए पोल निकालते हैं। और आपको पता है पोल कैसे निकाला जाता है, फंक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करके निकाला जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे, नाउ पोल ऑफ एफ जेड, नाउ पोल ऑफ एफ जेड इज गिवन बाय, तो पोल आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, डेट मीन्स जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए। आगे देखिए, यहां पर हमने क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है वो लिख दिया, और जो फंक्शन हमने लिया गया था वो लिख दिया, और हमारे जो पोल निकले थे वो जेड इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए निकले थे। तो यहां पर हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन हैज पोल एट जेड इक्वल टू माइनस ए कॉमा ए, और ये पोल हमें मिलेंगे कहां, ये पोल हमें मिल रहे हैं ऑन द रियल एक्सिस, ऑन द रियल एक्सिस। देन वी चूज द कंटूर सी टू बी ए लार्ज सेमी सर्किल मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर
इंडेंटेड एट जेड इक्वल टू माइनस ए कॉमा जेड इक्वल टू ए बाय द स्मॉल सर्किल्स By the small circles, gamma 1 and gamma 2 of radii, जिनके radius हैं of radii, हम r1 gamma 1 के circle के लिए हम r1 radius ले रहे हैं of radii r1 and second वाले के लिए r2 ले रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स जो हमने कंटूर के बारे में बात की है कि लार्ज सेमी सर्किल है इंडेंटेड एट जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस ए बाय स्मॉल सर्किल्स गामा वन गामा टू और जिनके रेडियस आर वन एंड आर टू है, आइए इसे हम समझ लेते हैं फिगर से कि ये किस तरह से ड्रॉ किया जाना है। तो यहाँ पर आप एक लार्ज सेमी सर्किल ड्रॉ कर लें, ये हमने इसका सेंटर ले लिया है ओ, यहाँ पर माइनस आर और ये प्लस आर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। यहां पर देखिए आपका जो सर्किल का सेंटर निकल के आ रहा है वो माइनस ए और प्लस ए है, तो माइनस ए जीरो के इस तरफ होगा, तो यहां पर कहीं पर हम सपोज कर ले रहे हैं ये माइनस ए पॉइंट ले गया और इसे यहां पर कहीं पर सपोज कर ले रहे हैं जीरो के राइट साइड में और ये प्लस ए हो गया। तो इसको सेंटर लेते हुए हम एक स्मॉल सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी एक स्मॉल सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेना है और इसको इस तरह से बना लेंगे आप। इसको हमने पॉइंट दे दिया ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी, और ये आपका फर्स्ट स्मॉल सर्किल है इसको हम गामा वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका सेकंड स्मॉल सर्किल है जिसे हम गामा टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस ए वन, माइनस ए और प्लस ए इसके सेंटर हैं, ये पॉइंट डी आपका। देन स्टूडेंट्स अब ये किस तरह से कंटूर मूव कर रहा है या यहाँ पर इस कर्व के अलोंग चल रहा है, तो देखें तो ये आर से ए की तरफ आएगा, फिर ए से ये स्मॉल सर्किल पर चलेगा, स्मॉल सर्किल से चलने के बाद ये बी पर आएगा, फिर बी की पर आने के बाद ये रियल एक्सिस पर चलते हुए सी पर जाएगा, सी के बाद फिर ये स्मॉल सर्किल पर चलेगा एंड देन फिर डी पर आएगा, डी से फिर ये आर पॉइंट पर जाएगा और आर पर जाने के बाद ये लार्ज सेमी सर्किल पर चलेगा और जिसको हम कैपिटल गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल गामा का साइन है और ये आपके स्मॉल गामा के साइन है। तो यहाँ पर यही आपको डिफाइन किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी आई, इसके बारे में हम डिस्कस कर लें, आप लिखेंगे द पॉइंट्स A, comma B, comma C and D R। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट A जो है वो सेंटर से लेफ्ट की तरफ है और इस स्मॉल सर्किल के लिए रेडियस R1 सपोज किया गया है, तो यहाँ पर द पॉइंट A R हो जाएगा माइनस A और माइनस R, क्योंकि सेंटर से इस तरफ है लेफ्ट की तरफ है तो ये नेगेटिव साइन होगा रेडियस का और सेंटर से राइट की तरफ होगा तो रेडियस हम पॉजिटिव साइन में लेंगे। तो यहां पर ये इस तरह से लिखा जाएगा या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें, सॉरी आर वन, तो माइनस कॉमन ले लें तो ए प्लस आर वन, क्योंकि फर्स्ट सर्किल के लिए हमने रेडियस आर वन लिया है। इसी तरह से अब पॉइंट बी के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो बी पॉइंट के लिए देखिए बी पॉइंट आपका सेंटर से राइट की तरफ है तो रेडियस तो सॉरी सेंटर तो माइनस ए है और रेडियस प्लस आर वन लिया जाएगा तो ये प्लस आर वन हो जाएगा, जिसको कि हम अगर माइनस कॉमन लें तो ए माइनस आर वन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ए और बी पॉइंट हो गया एंड देन सी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो सी पॉइंट इस सर्किल के ये सेंटर से लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पर ये सेंटर तो पॉजिटिव है बट रेडियस लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये माइनस का आर टू हो जाएगा, तो ये सेम एज इट इज ए माइनस आर टू फॉर्म में रहेगा। एंड अब डी पॉइंट के लिए जो बताया जा रहा है, डी पॉइंट के लिए जो आपको लेना है, डी पॉइंट आपका सेंटर से राइट की तरफ है तो आर टू भी पॉजिटिव और सेंटर तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही है तो ये ए प्लस आर टू फॉर्म में, दैट मींस ये ए प्लस आर टू ही लिखा जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो पॉइंट्स ए बी सी डी डिफाइन किए गए हैं वो लिख दे रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स हमें यहां जरूरत पड़ती रहेगी तो मैं रफ में यहां पर लिख दे रहा हूं जिससे कि हमें बार बार
कंफ्यूज ना होना पड़े। ए पॉइंट के लिए जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो है माइनस ए प्लस आर वन, बी पॉइंट के लिए है माइनस कॉमन लेकर ए माइनस आर वन, सी पॉइंट के लिए है ए माइनस आर टू एंड डी पॉइंट के लिए है ए प्लस आर टू। स्टूडेंट्स इसकी हमें जरूरत फर्दर पड़ेगी। तो आइए देखिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर ये हमने बता दिया। अच्छा स्टूडेंट्स अब फर्दर देखें तो यहां पर हमें पोल तो मिल गए माइनस से और प्लस से, बट ये पोल हमें मिले कहां है? ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम बोले तो हमें कोई भी सिंगुलरिटी विद इन सी नहीं मिल रही है। सिंगुलरिटी मतलब हमें कोई भी पोल, सिंगुलरिटी के अंदर ही पोल आता है आइसोलेटेड डिस्टेंस सिंगुलरिटी में, तो आपको यहां पर कोई भी पोल विद इन सी नहीं मिल रहा। ऑन द रियल एक्सिस पर तो मिल रहा है, विद इन सी मतलब ये जो आपका कंटूर ड्रॉ किया जा रहा है इन प्लेसेस पर आपको कोई भी पोल नहीं मिला है, केवल रियल एक्सिस पर आपको पोल मिले हैं। तो आप यहां पर इस चीज को डिफाइन कर देंगे, द गिवन फंक्शन हैज नो पोल या नो सिंगुलरिटी, पहले आप डिफाइन करेंगे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी विद इन सी। हमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं मिली है विद इन सी में एंड एज सच बाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है? इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi समेशन r प्लस। तो स्टूडेंट्स ये समेशन r प्लस क्या है, इसे पहले समझते हैं। समेशन r प्लस का मतलब होता है सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ पोल्स विच लाइज विद इन सी, मतलब उन पोल्स के रेसिड्यू का सम जो विद इन सी मिल रहे होंगे। तो हमने यहां पर लिखा है कि देयर इज नो सिंगुलरिटी विद इन सी, कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है फंक्शन की, कोई भी सिंगुलरिटी विद इन सी नहीं प्रेजेंट है। जब फंक्शन की कोई सिंगुलरिटी नहीं है तो पोल कहां से होगा, और जब पोल ही नहीं होगा तो रेसिड्यू कहां से निकलेगा? तो इट मींस यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे कि ये 2πi इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि रेसिड्यू जब मिला ही नहीं तो पूरा का पूरा सम ऑफ रेसिड्यू समेशन r का जीरो हो जाएगा, और फर्दर ये रिजल्ट यहां पर आपका जीरो आ गया। दैट मींस हम कह सकते हैं यहां पर कि इंटीग्रेशन ओवर c एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा राइट हैंड साइड जीरो हो गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन ओवर सी मतलब इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी, जो हमें कंटूर गिवन है उसके बारे में। तो अब देखिए कंटूर जो है स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए किस तरह से मूव कर रहा है, वो माइनस आर से ए पर जा रहा है, फिर स्मॉल सर्किल पर चल रहा है गामा वन पर, फिर बी पर आया, फिर सी पर गया, फिर दूसरे स्मॉल सर्किल पर चल रहा है, इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। तो आइए इसको इसी हिसाब से हम डिफाइन कर देते हैं। तो फर्दर आप लिखोगे कि ये आपका माइनस कैपिटल आर से ए तक गया है, और ए की जो वैल्यू है वो हमने डिफाइन कर ही रखी है। देखिए ये है माइनस ए प्लस आर वन, और ये मूव कहां कर रहा है, ये रियल एक्सिस पर चल रहा है। तो जो आप फंक्शन एफ जेड लेकर चल रहे थे उसको जब आप रियल एक्सिस पर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, हम एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये ओवरऑल कंटूर के बारे में डिफाइन कर रहा है, अब हम कंटूर को पार्ट वाइज डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन अब ये ए पर जाने के बाद देखिए स्टूडेंट्स वो गामा मतलब कि स्मॉल सेमी सर्किल पर चलने लगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन ओवर गामा वन लिखेंगे, और जब ये जैसे ही ये एक्स एक्सिस को छोड़ेगा वैसे ही ये साइन मतलब जो फंक्शन है आपका एफ एक्स से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एफ जेड डी जेड। देन ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बी पॉइंट पर आएगा, और फिर बी से ये सी तक जा रहा है। तो यहां पर देखें फिर फर्दर, तो बी पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस ए माइनस आर वन से सी पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, लिमिट ए माइनस आर टू, और ये रियल एक्सिस पर चल रहा है तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। देन स्टूडेंट्स अब C पर जाने के बाद ये अनदर ये दूसरे स्मॉल सर्किल पर चल रहा है, तो यहां पर देखें इसके लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर गामा टू
एफ जेड डी जेड। देन फिर ये कंप्लीट करने के बाद ये डी पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर डी से ये आर तक लिखा जाना है, और डी पॉइंट पर हमारी जो वैल्यू है वो है ए प्लस आर टू से कैपिटल आर, और ये रियल एक्सिस पर चल रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स। एंड देन फाइनली आर के बाद वो लार्ज सेमी सर्कल पर चलेगा, दैट मींस एक्स एक्सिस को लीव कर देगा, तो ये इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा और ये एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा ये पूरा का पूरा कंटूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो फर्दर आइए देखते हैं इसको और क्या किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब आप देखें कि हमारे पास जो आर है वो लार्ज सेमी सर्किल है, और जो स्मॉल गामा वन गामा टू है उनके जो रेडियस है वो स्मॉल आर वन और आर टू फॉर्म में है। तो यहां पर आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि टेकिंग लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी एंड आर वन कॉमा आर टू टेंस टू जीरो, देन वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप इसी फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं कि आर को इन्फिनिटी पर ले जाएं और आर वन आर टू जीरो पर टेंड कर रहा है। तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा लिमिट गामा वन के लिए रेडियस आर वन लिया गया था, तो लिमिट आर वन टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ जेड डी जेड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस ए से ए क्योंकि आर वन आर टू दोनों जीरो पुट करना है, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। देन यहां पर ये लिमिट स्मॉल आर टू टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड डी जेड, प्लस यहां पर आ जाएगा ये ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। एंड देन ये कैपिटल गामा मतलब कि लार्ज सेमी सर्किल पर चल रहा है, तो यहां पर लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड, और ये इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। तो आप इस तरह से इसे डिफाइन करते हैं लिमिट यूज करते हुए। देन फर्दर देखेंगे स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें यहां पर तो जो इंटीग्रेशन हमें मिल रहा है, हमें तीन फंक्शंस जो थ्री इंटीग्रेशंस हैं वो एक्स फंक्शन पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स वाले फंक्शनों को एक साथ ले लें, तो और यहां पर भी देखें आप, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस ए पर जा रहा है, और ये माइनस ए से ए पर जा रहा है अपर लिमिट, और फिर ये लोअर लिमिट ए से इन्फिनिटी पर जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो हमारा फंक्शन है, या ये कहें कि जो हमारी एक्स एक्सिस है वो माइनस आर से प्लस आर है, और हमने आर टेंस टू इन्फिनिटी ले रखा है, तो इट मींस वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गई। तो और जो रियल एक्सिस पर जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं वो एक्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे तीनों इंटीग्रेशन को एक साथ मर्ज करूं, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और फिर हम अपने कन्वीनियंट के लिए, देखिए अभी तो मैं फिलहाल इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, देन नेक्स्ट स्टेप में हम अपने कन्वीनियंट के लिए इन्हें छोटे सिंबल्स में डिफाइन कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ जेड डी जेड, फिर लिमिट आर टू टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड डी जेड, और प्लस लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो, ये बन रहा है स्टूडेंट्स। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम अपने कन्वीनियंट की जो बात कर रहे हैं, इसको हम आई वन से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को, इसको हमने I1 ले लेना है। सेकंड गामा वन वाले को हम I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा टू वाले को हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन गामा कैपिटल गामा वाले को I4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके
वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो वो इक्वल टू जीरो ले ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर इसको इस छोटे सिंबल में डिफाइन कर दिया और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। फर्दर स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमें रिजल्ट लेना है स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारे जो है वो एक्स के फॉर्म में मिल रहा है। देखिए cos x x a square minus x square dx के फॉर्म में, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये i2, i3 और i4 ये सब z के फंक्शन हैं। तो i1 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी i2, i3, i4 आपके z के फंक्शन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये z वाले फंक्शन को ही सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इनके रिजल्ट आ रहे हैं, देन आगे फिर इक्वेशन वन में वैल्यू रख के फिर देखते हैं कि रिजल्ट पर हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। देखें तो फर्दर वन बाई वन आइए हम I2, I3 और I4 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लिखें therefore इंटीग्रेशन गामा 1 fz dz means इंटीग्रेशन गामा 1 e टू द पावर iz अपॉन में a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही हमारा फंक्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और ये डी जेड। तो स्टूडेंट्स अब इस गामा वन के लिए हमारा जो पोल निकला था वो जेड इक्वल टू माइनस ए निकला था, तो इसको हम जब इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो देयरफॉर जो रेसिड्यू का फार्मूला है, सिंपल पोल का जो फार्मूला है वो क्या था कि लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए, जेड माइनस ए होता था तो माइनस ए ऑलरेडी है तो ये जेड प्लस ए एफ जेड बन जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हमने अभी की पॉइंट देखा था, फर्स्ट की पॉइंट, उसमें जो लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड इक्वल टू आप कैपिटल ए लिख रहे थे, तो वही कैपिटल ए हम यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखो तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं लिमिट जेड टेंस टू माइनस ए, और लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक मिनट सॉरी, लिमिट अप्लाई करने से पहले फंक्शनल वैल्यू रख देंगे। फंक्शनल वैल्यू हमारे पास e टू दी पावर आई जेड अपॉन में ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो हम इसे a प्लस जेड और a माइनस जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और देन आप यहां पर देखें तो जेड प्लस ए से जेड प्लस ए कैंसिल आउट, और अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये ए टू दी पावर माइनस आपका आई ए बनेगा, और अपॉन में ए और माइनस माइनस प्लस होके वो टू ए बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज मैं और डिफाइन करूंगा आपको कि ये जो गामा वन सर्किल है, जो स्मॉल सेमी सर्किल फर्स्ट है गामा वन वाला, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि गामा वन डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गामा वन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब जो उसका रिजल्ट था, जो की पॉइंट फर्स्ट लिखवाया गया था, वो क्या था, लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई ए थीटा टू माइनस थीटा वन, ये हम लिख रहे थे। तो आइए स्टूडेंट्स उस रिजल्ट का अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखें So, हमारे पास यहां हो जाएगा लिमिट आर वन टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई ए, तो आई ए की वैल्यू यही आई है ई टू द पावर माइनस आई ए अपॉन में टू ए आई ए, देन स्टूडेंट्स क्या था फॉर्मूला थीटा टू माइनस थीटा वन, तो अगर हम सेमी सर्किल पर जाएं तो थीटा की वैल्यू जीरो और यहां पर थीटा की वैल्यू पाई होगी, दैट मींस इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, दैट मींस थीटा वन जीरो होगा और थीटा टू क्या होगा, पाई होगा सेमी सर्किल के लिए। तो यहां पर ये थीटा टू माइनस थीटा वन फार्मूला है तो ये पाई माइनस जीरो आ जाएगा, और यहां पर स्टूडेंट्स मैं बताऊं ओवरऑल जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। देखिए ओवरऑल जो इंटीग्रेशन चल रहा है, तो अब यहां पर हमारा इसका जो ये जो गामा वन डिस्क्राइब हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क्राइब हो रहा है, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज देने के लिए यहां पर नेगेटिव साइन ले लेंगे और यहां डिफाइन कर देंगे
ईयर नेगेटिव साइन इज टेकन, ईयर नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से की वजह से हमें यहां पर नेगेटिव साइन लेना पड़ा। तो स्टूडेंट्स फर्दर जो इसका रिजल्ट आ रहा है आइए वो देख लेते हैं। तो इसी को हमने I2 सपोज किया था। आप देखोगे फर्दर इक्वेशन वन से ऊपर अगर आप देखें जो लाइन लिखी गई है उसमें आपके पास यही आपके पास क्या था I2 था। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारा ये हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि I2 इक्वल टू लिमिट R1 टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, यहां पर आप देखो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का आई पाई अपॉन में 2a और e टू द पावर माइनस का आई ए। तो ये I2 का रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको भी मैं एक सेपरेट जगह लिख लेता हूं यहां पर। तो देखिए ये I2 की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का आई पाई अपॉन में 2a और e टू द पावर माइनस आई ए, ठीक है। अब देन हम स्टूडेंट्स आई थ्री पर आते हैं। देखिए तो आई थ्री के लिए पहले आप देखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड डी जेड मीन्स इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड की वैल्यू आप देखिए वहां लिखी गई है ई टू द पावर आई जेड अपॉन में ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। सो लिमिट और गामा टू के लिए आप देख रहे हो कि जो पोल निकला है या जो सेंटर है वो है ए। तो यहां पर लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड कैपिटल ए निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो यहां पर लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए और एफ जेड की वैल्यू स्टूडेंट्स ई टू द पावर आई जेड अपॉन में इसका हम फैक्टर करके लिख ले रहे हैं तो ए माइनस जेड देन ए प्लस जेड। स्टूडेंट्स ये कैंसिल तो हो जाएगा बट नेगेटिव साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा तो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेकर इसे कैंसिल कर देंगे। तो नेगेटिव साइन कॉमन आ गया देन लिमिट रख देंगे ई टू द पावर आई ए अपॉन में टू ए। स्टूडेंट्स यहां पर भी आप ये डिफाइन कर देना कि गामा डिस्क्राइब गामा टू डिस्क्राइब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन गामा टू डिस्क्राइब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आप डिफाइन जरूर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब ओवरऑल हमें जब देखना पड़ेगा तो ऑब्वियस जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस आई टू निकालते वक्त हमने किया था कि नेगेटिव साइन लिया था ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज लाने के लिए वो काम हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर हम वही की पॉइंट के फर्स्ट रिजल्ट को यूज करेंगे जो बताया गया था आपको। तो यहां पर आपके पास है देयरफॉर लिमिट आर टू क्योंकि गामा टू के लिए रेडियस आर टू लिया गया था तो लिमिट आर टू टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड डी जेड का मतलब फिर से वही आई ए की वैल्यू माइनस ई टू द पावर आई ए अपॉन में टू ए और देन थीटा टू माइनस थीटा वन डेट मीन्स पाई माइनस जीरो और यहां भी आप नेगेटिव साइन लेंगे और फिर से यही डिफाइन कर देंगे कि ये नेगेटिव साइन is taken because of clockwise direction ये define कर देंगे। तो further जो students इसकी जो result आ रही है वो देख लें आप जो इसका final result आ रहा है I3 का
और इसी को हम I3 भी लिखते थे, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, I3 इक्वल टू लिमिट R2 टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर गामा टू, और fz की वैल्यू भी चलिए हम लिख दे रहे हैं e टू द पावर i z अपॉन में a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा i पाई अपॉन में 2a e टू द पावर i a, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर i3 भी कंप्लीट हो गया। अब देन स्टूडेंट्स i4, क्योंकि ये भी z का फंक्शन था तो इसे भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स इसको भी मैं यहाँ सेफली लिख लेता हूँ कि i3 की वैल्यू क्या है। I3 की वैल्यू हमारी आई है I पाई ओवर 2a और e टू द पावर आई ए, ये आ रही है। अब हम स्टूडेंट्स I4 के लिए डेट मींस कैपिटल गामा के लिए लिख रहे हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा, और यहां पर fz dz मींस इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा e टू द पावर iz अपॉन में a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, सो अब यहां पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे लिमिट, क्योंकि कैपिटल गामा कैपिटल r के लिए काम कर रहा है, मतलब कैपिटल r उसके लिए इनफिनिटी है, तो कैपिटल लिमिट कैपिटल r टेंस टू सॉरी फंक्शन z के लिए होगा, तो z टेंस टू इनफिनिटी, क्योंकि r टेंस टू इनफिनिटी तो इट मींस z टेंस टू इनफिनिटी हो जाएगा, तो z टेंस टू इनफिनिटी, और यहां पर आपका आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पॉइंट है जब हम जॉर्डन्स लेमा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट मींस जब हम यहां पर इसी फंक्शन में रखेंगे तो देखिए लिमिट जैसे ही हम रखेंगे कैपिटल r टेंस टू इनफिनिटी, ये पूरी तरह से जॉर्डन्स लेमा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉर्डन्स लेमा भी आपको जो सेकंड पॉइंट बताया गया था की पॉइंट का, उसमें बताया गया था कि लिमिट कैपिटल r टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा e टू द पावर i mz fz dz इक्वल टू 0, तो वो जॉर्डन्स लेमा था। तो यहां पर जब जॉर्डन्स लेमा से रूल यूज होने वाला है जॉर्डन्स लेमा का, तो यहां पर लिमिट z टेंस टू इनफिनिटी और जो फंक्शन है उसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेते हैं, और यहां पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में इनफिनिटी आ रहा है, और डिनोमिनेटर में इनफिनिटी का मतलब वो क्या हो जाएगा जीरो। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जीरो हो गया, और ये जीरो होने का मतलब कि जॉर्डन्स लेमा यूज होगा, तो जॉर्डन्स लेमा के लिए हम लिखेंगे देयरफॉर बाय जॉर्डन्स लेमा आप लिखोगे लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा ए टू द पावर आई जेड अपॉन में ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और इसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आई फोर की वैल्यू भी है, तो इसको हम इनडायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि I4 इक्वल टू जीरो। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा I4 की वैल्यू आ गई है, जिसको मैं यहां पर सेफली नोट कर ले रहा हूं, तो I4 की वैल्यू जीरो है। तो फर्दर स्टूडेंट्स अब हम ये सभी वैल्यूज I2 I3 I4 इक्वेशन नंबर वन में अब पुट करने जा रहे हैं। तो फर्दर आप लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I2 I3 I4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेकर आओगे तो ये हमारा I1 और I2 की वैल्यू हमारी आ रही थी माइनस I पाई अपॉन में 2a e टू द पावर माइनस IA, देन I3 की वैल्यू आपके पास आई है I पाई अपॉन में 2a और e टू द पावर IA, और I4 हमारे पास 0 है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास जीरो है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एक्चुअली आई वन क्या था, आई वन हमारा माइनस इंफिनिटी माइनस आर से प्लस आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डीएक्स के फॉर्म में था, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डीएक्स, और ये बाकी सारी वैल्यूज जो भी हैं आप उसे राइट साइड में ले जाए तो यहां पर आपका आ जाएगा देखिए ये आई पाई अपॉन में टू ए, इन दोनों एलिमेंट्स हम कॉमन ले लेंगे, और जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव e टू द पावर माइनस आई ए फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये उधर जाके नेगेटिव e टू द पावर आई ए लिखा जाएगा। बट स्टूडेंट्स अब यहां पर देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स फिगर का ऑलमोस्ट काम हो गया है, तो मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं अपने लिए,
और अब आप यहां पर समझें, देखिए स्टूडेंट साइन थीटा की आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू पता है, हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 टाइम्स आयोटा। स्टूडेंट्स इसके बाद देखें, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का आई पाई अपॉन में 2a और यहां आ जाएगा e टू द पावर आयोटा a माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा a। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस फॉर्मूले से मैच कराएं तो ये आपका बन जाएगा माइनस आई पाई ओवर 2a और यहां पर ये आ जाएगा 2i इनटू साइन थीटा, मींस साइन हमारे पास यहां पर एंगल a है तो साइन a आ जाएगा। देन फर्दर स्टूडेंट्स देखें आप तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी टू से टू कैंसिल आउट, आई और आई मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो दैट मीन्स ये आपका पाई अपॉन में ए इंटू साइन ए और लेफ्ट साइड में है हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स अगर हम अपने रिजल्ट पर आ जाए तो रिजल्ट हमारा पाई अपॉन में टू है साइन ए आ रहा है और लेफ्ट साइड में देखें तो जीरो टू इंफिनिटी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स स्टूडेंट्स पहले तो आइए हम फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं, फंक्शन एक्चुअली जो गिवन है ये एफ जेड के फॉर्म में, इसको एफ एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे और आप देखिए जो रिजल्ट आ रहा है वो कॉस के फॉर्म में आ रहा है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर जो ई टू द पावर आयोटा हम जेड या आयोटा एक्स के फॉर्म में जो फंक्शन में लिखेंगे तो यहाँ से हमें यूलर्स थ्योरम को यूज करते हुए साइन और कॉस को लेना पड़ेगा। तो डेट मीन्स देखिए फिलहाल तो मैं फंक्शन को लिखने जा रहा हूँ, जो गिवन फंक्शन है तो ये लिखा जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और यहां पर आपका आ जाएगा e टू द पावर आयोटा x अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई अपॉन a इनटू साइन a और यहां पर आप इसे सीधे स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं तो देखो राइट हैंड साइड में हमें रियल पार्ट मिल रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू i मिल रही है, दैट मींस रियल वैल्यू मिल रही है, तो हम बोथ साइड रियल पार्ट इक्वेट कर देते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट हम लिख लेते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, तो जब आप रियल पार्ट इक्वेट करेंगे ये रियल पार्ट वी गेट तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई अपॉन ए इनटू साइन। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे पास लिमिट जो आ रही है वो जीरो टू इंफिनिटी आ रही है और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट चाहिए वो पाई अपॉन में टू ए चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिमिट माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है तो ये आपका इवन फंक्शन बन जाएगा क्योंकि ऊपर कॉस है और नीचे भी एक्स की जो है इवन पावर है, तो यहाँ पर हम इसे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए ऐसे लिख लेंगे कि टू टाइम्स लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई अपॉन में ए इंटू साइन ए और यहां पर आप डिफाइन कर देंगे कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो स्टूडेंट्स देन अब आप ये जो टू आया है इसको आप राइट साइड के अपॉन में भेज दें तो जीरो टू इंफिनिटी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन टू ए इंटू साइन ए, तो स्टूडेंट्स यही रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स